Hello students, I am your EBS teacher of class first. Today I will do exercise. Okay beta, exercise करेंगे हम इस chapter की. मैंने last video में इस chapter को explain किया था, अब हम इसकी exercise करेंगे. ठीक है, exercise है multiple choice question. When I do something wrong, I should say. जब हमसे कुछ गलत हो जाता तो हमें क्या बोलना चाहिए? Excuse me, sorry, thank you, please. तो हमें क्या बोलना चाहिए? Sorry. ठीक है, आई से स्पेस दिया है मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो हमें क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग के टाइम में हमें क्या बोलना चाहिए? गुड गुड गुड, बेटर, बेस्ट, ऑल, तो हमें क्या बोलना चाहिए? गुड, है ना? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए. व्हेन आई नीड समथिंग आई शुड से एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी, पार्डन, तो हमें एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. आपकी जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको जो ये नीचे फ्लफ्स हैं, इसमें आपको फिल करना है. व्हेन आई हर्ट समवन आई से, जब मैं किसी को हर्ट करता हूँ तो क्या कह सकते हैं हम उसमें? सॉरी. जब हमसे किसी के साथ कोई गलती हो जाती है हमसे, तो बोलते हैं ना सॉरी, तो हमको क्या बोलना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए. ठीक है, आई कीप माई रूम, हमें अपना रूम कैसा रखना चाहिए? क्लीन. ठीक है, आई गेट अप, हमें क्या करना चाहिए? जल्दी सुबह में उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए ना, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई कीप माई बुक्स एंड टॉयज इन दियर प्रॉपर प्लेस, हमें अपनी बुक्स को कहाँ, जो हमारे प्रॉपर प्लेस है वहीं पर रखना चाहिए. एक्सरसाइज सी है ड्रा स्माइल फॉर द ट्रू गुड स्माइल एंड बैड स्माइल फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो हमारी ये स्टेटमेंट है, तो अगर हमारी ट्रू है स्टेटमेंट तो हमें गुड स्माइल बनानी है, और बैड है फॉल्स है तो बैड स्माइल हमें इसको बनानी है. लेकिन इनके सर्किल यहाँ दे दिए गए, बाई मिस्टेक, कोई बात नहीं है, हम इनके सर्किल यहाँ पर बना लेंगे. ठीक है, यहाँ पर बना लेंगे इसके सर्किल. ठीक है, आई विश माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो हमें अपने पेरेंट्स और टीचर को क्या करना चाहिए? विश करना चाहिए ना, इट इज़ गुड. ठीक है, तो हमने यहाँ पर गुड स्माइल बनाई है. आई डू नॉट वेट फॉर माई टर्न, हमें अपने टर्न का वेट नहीं करना चाहिए, तो ये हमारी फॉल्स हो गई. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? बैड स्माइल बना देंगे. ठीक है, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, ये कह रहे हैं कि हमें सुबह को देर से उठना चाहिए, तो क्या देर से उठना चाहिए? नहीं ना, देर से नहीं उठना चाहिए, तो हम क्या, हमें ये स्टेटमेंट क्या है? रोंग है, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? बैड स्माइल. I keep everything at their proper place. तो हमें जो चीज़ें हैं हमारी, उनको उनके proper place पर रखनी चाहिए, तो रखनी चाहिए ना बेटा, तो ये हमारी statement क्या है? True है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे good smile. Okay? है ना, तो इस तरीके से हमने good smile को यहाँ पर बनाया है. इसके बाद हमारी exercise है D, answer these question, है ना, तो हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. व्हेन डू यू से थैंक यू, आपको थैंक यू कब कहना है? व्हाट डू यू मीन बाय पंक्चुअल, पंक्चुअल होने से आप क्या समझते हैं? एंड ई एक्सरसाइज में आपको दिया है माय डेली रूटीन इज जम्बर्ड अप राइट इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में आपको ये डेली रूटीन फिल करना है ना, और ये मैच द बर्ड्स विद द पिक्चर ये करना है, तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन क्वेश्चन के आंसर कराएंगे, और ये डेली रूटीन का जंबर्ड रूटीन सही कराएंगे, एंड ये मैथ हम कराएंगे. ठीक है बेटा, तो ये सब हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में. और ये जो आपकी बी एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है विद नीट राइटिंग, आपको अपनी साफ और सुंदर राइटिंग के साथ अपने वर्क को कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, वो भी एकदम प्रॉपर वे में. ठीक है, ओके, थैंक यू.